पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। प्रमुख नास्तिक उद्यम नेता श्री गौरा जी से लिखी हुई गांधी नास्तिक संवाद पुस्तक से अनेक अंशों को हम जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से तरुणा मित्र डी रामस्वामी जी और गांधी जी के बीच हुई बातचीत के विवरण गांधी जी के मंत्री श्री प्यारे लाल जी से लिखी हुई इस बातचीत का विवरण को आज हम जानेंगे। गौरा जी के मित्र डी रामस्वामी जी ने गांधी जी से कहा है कि जब मेरी ईश्वर की कल्पना ही साफ नहीं है तब आदमी ईश्वर का मंदिर बनने की यह बात मुझे और भ्रम में डाल लेती है। गांधी जी ने कहा, फिर भी सही बात तो यही है, जब तक हमें यह प्रतीति नहीं हो जाती कि शरीर भगवान का आवास है तब तक हम मनुष्य से कुछ कम है और सत्य की ईश्वर के रूप में कल्पना करने में मुश्किल या झंझट कहा है। तुम यह तो स्वीकार करोगे है कि हम असत्य के मंदिर नहीं है, सत्य के ही है। एक क्षण चुप रहने के बाद गांधी जी ने फिर कहा, जो सत्यमय जीवन बिताना चाहता है उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ तो अलंद जैसी मालूम होती है। उस समय ईश्वर में श्रद्धा यानी सिर्फ सत्य ही तुम्हें सहारा दे सकता है। अपने बंधु का दुख देखकर आत्मीयता का जो भावना तुम्हें बेचैन कर देती है वही भगवत भाव है। तुम अपने को नास्तिक भले ही कहो परंतु जब तक तुम मनुष्य समाज के साथ बंधुत्व का अनुभव करते हो तब तक व्यवहार में तुम भगवान को मानते ही हो। मुझे उस महानास्तिक नेता श्री ब्राडला की अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए आए हुए फादरियों की याद आती है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ब्राडला को अपना सम्मान देने आए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वह ईश्वर की राय पर चलने वाला ईश्वर परायण मनुष्य था। अपनी बात समाप्त करते हुए गांधी ने कहा, यदि तुम ईश्वर में यानी सत्य में जीवंत श्रद्धा लेकर जा सको तो मुझे संदेह नहीं है कि तुम्हारा काम फूलेगा फलेगा। जब तक तुमने उसे पाया नहीं है तब तक तुम्हें हर चीज़ से असंतोष होना चाहिए, ऐसा हो तो तुम्हें उसे पा जाओगे। धन्यवाद। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.